दूसरा पार्ट और पहला पार्ट में बता दिया था मैंने 13 मिलियन क्वेश्चन में इसको सॉल्विंग कैसे करते हैं। तो सॉल्विंग करने की इसकी मैंने तीन मेथड बता दिया आपको, कौन सी मेथड बता दिया, पहला रिफ्यूजन बता दिया, एलिमिनेशन बता दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता दिया। आज जो बताने वाला हूँ वो मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से 13 मिलियन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन एक मैंने बनाया है जो कि 35 मिलियन क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एनसीईआरटी की भी कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा ड्रा दी ग्राफ और ये दिया हुआ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दिया हुआ, एक इक्वेशन का गिवन इक्वेशन दिया गया, गिवन इक्वेशन क्या गिवन इक्वेशन है आपका, दिया है आपका 2x y = 6 और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है एंड 2x - y = 2 = 0। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x y - 2। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ये सेकंड हो गया, ठीक है। ये की मैंने एंड सेट द रीजन बाउंड्री बाई दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर इसमें जो ग्राफ बन रहा है उसमें जो लाइन में शेडेड रीजन बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए इसकी कुछ पहलू चाहिए हमको, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, ग्राफ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप लिख लीजिए एक बार कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय ग्राफिकल मेथड। सी कितना कर लिया आपने, बहुत सही किया। यहां से ऐसा लाइन प्रॉब्लम सिंपल करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करिए, पहले ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है आपका 2x + y = 6, ठीक है। इसमें से क्या करना है, पहले से पहले किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां से किसी वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2x, उसको टारगेट कर लीजिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अगर यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल लिया तो यहां से हम क्या करेंगे, x = 0 मान लेते हैं। x = आप 0 रखोगे तो y = की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख यहाँ पे अगर आप 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या है 6 आएगी। इसी तरह एंड आप क्या करिए y = 0 कर लीजिए, तो y = आप 0 करेंगे तो y = 0 करेंगे तो देख अब y = 0 कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो इसको ना लिखे ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं आप कि अगर आप y की वैल्यू 0 करोगे तो x = क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x = 6 आ जाएगा और x = क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आया चलिए फिर से एक बार करते हैं इसको। देखिए समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब आप क्या करेंगे तो y की वैल्यू क्या ले लीजिए 0, या तो x की वैल्यू ले लीजिए 0, x की वैल्यू 0 लेते तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो x की वैल्यू 0 ले दी, ये पूरा 0 टर्म होगा तो y पर टू क्या आ गया 6, ठीक है। अब दूसरे टर्म में क्या करना है, दूसरे टर्म में क्या करना, सिमिलर y = आप क्या कर लीजिए 0 एंड लग लीजिए एंड y = 0 कर दोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x = क्या जाएगा 6, यहाँ से x = क्या हो जाएगा 6/2 = 3 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं ना, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर x यहाँ पर y, देख जब आपने x = कर लिया था 0 तो y की वैल्यू क्या आई थी 6,
फिर आपने क्या किया, y को जीरो किया, x की वैल्यू क्या आ गई 3, इसको रख लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे क्या कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड सेकंड इक्वेशन क्या है उसको नोट करिए, यहाँ पर क्या है सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। सिमिलर जैसे इसमें किया था आपने, कुछ नहीं करना, सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है ना। तो कैसे करोगे देखो, जब यहाँ पे आप क्या करोगे, व्हेन x इक्वल टू जीरो, अगर आप x इक्वल टू जीरो करोगे तो इक्वल जीरो हो जाएगा, हो जाएगा y, फिर y इक्वल टू क्या जाएगा, y इक्वल टू क्या जाएगा, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, हम देखो y इधर माइनस है, ये भी इधर माइनस है, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। अगर y इक्वल टू आप इसको जीरो कर दो तो क्या आएगा, टू एक्स इक्वल टू माइनस टू, यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन टू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे, एक मिनट, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे इसी तरह से इसमें बनाया था आपने, ऐसा बॉक्स एक बना लीजिए x। अब देखो क्या लिखेंगे, जब आपने x को जीरो किया था y की वैल्यू क्या आ गई, फिर आपने क्या किया y को जीरो किया, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसमें एक ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ बनाना, ऐसा कर लीजिए y की वैल्यू ऐसा, ठीक है, ग्राफ पेपर में मार्क कर लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसे मार्क कर लीजिए, ग्राफ पेपर में रहता है उसको देख सकते हैं, इसको आप y एक्सिस, इसको y डैश, इसको x डैश माइनस और इसको x प्लस, ये हो गया आपका जीरो, आप नंबर ही मान 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अब ये वैल्यू जो होती है किसमें होती है, माइनस में होती है, 1, -2, -3, -4, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कर लिया इतना। जब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन की वैल्यू ये आई थी, तो यहाँ पर क्या दिया, x का 0 और y का 6, तो x का 0 तो ये हो गया और y का 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, 0 एंड 6। देखो जिस वैल्यू को कह रहा है वो कि 0 है, तो ये 0 ये हो गया, अब 6 की वैल्यू क्या कह रहा है, प्लस 6, y की वैल्यू क्या कह रहा है, प्लस 6, तो 6 ऊपर जाओगे y की साइड, ठीक है, प्लस साइड। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि y आप 0 ले रहे हो, तो y 0 तो ये हो गया, लेकिन x की तरफ कितना जाना है, 3 जाना, ये क्या हो गया 3 और 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक लाइन खींच दीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है, थोड़ा अभी ऐसे आ रहा है, आप स्केल्स करोगे तो बढ़िया सा आ जाएगा, ये हो गया सब में आया इतना, ये लाइन खींच दिया, इस इक्वेशन का नाम क्या था, 2x + y = 6, ये हो गया इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन इसी में बनाना है, दूसरी इक्वेशन से हमारा पूरा रीजन असाइडेड रीजन बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे x इक्वल टू क्या है, 0, x इक्वल टू 0, ये y की वैल्यू क्या है, 2, y की वैल्यू 2 कहां पे आ गई, ये क्लियर है, y की वैल्यू क्या आ गई ये। फिर दूसरा चीज आप देखोगे कि x इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 कहां पे आ गया, ये यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 और 0, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 0 और 2, ठीक है। तो आप इन दोनों लाइनों को मिला के ऐसा ऐसे कर देंगे, ठीक है। जब ऐसे कर देंगे तो x एक्सिस में जो शेडेड बन रहा है, x एक्सिस में ये कौन सा बन रहा है, ये लाइन ऐसी आ जाएगी नीचे तक, ये बन गई इक्वेशन आपकी सेकंड, इक्वेशन कौन सा बन गई सेकंड, तो इसका इक्वेशन यहां पे दिया होगा, सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे इस पे, 2x - y
इक्वल टू माइनस टू, कितना लिख देंगे? क्लियर समझ में आया? कितना समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में यहाँ पे सेकंड रीजन बन रहा होगा, बन रहा ये वाला, बन रहा है ऐसा, समझ में आया इतना? ऐसा रीजन बन रहा होगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द अपर कर्ल अपने को, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। अब हमको ग्राफ से मतलब, किससे मतलब है, नोट कर लेना इसको। चलिए क्या निकलना है अपने को, एरिया ऑफ द ग्राफ हमारा बन गया, ग्राफ कौन सा बन गया, ये शेडेड वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ बन गया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ बन गया इतना। और जो ग्राफ बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन क्या आ रहा है, ये दिख रहा ए बी सी, तो यहां पर लिख दोगे आप एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रहा है ना ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1 बाय 2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, तो 1 बाय 2, अब देखिए इसका बेस कितना है, बेस 3 इस साइड जा रहा है, देखो यहां पर यहां से यहां कॉमन जा सकते हैं, तो बेस कितना होगा, 1 इधर होगा और 3 इधर, जब 1 2 3, तो बेस क्या हो जाएगा इसका बीसी, BC कितना है इनटू हाइट, हाइट क्या है इसकी AD, ये यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, ये यहाँ पर है और B यहाँ पर, तो A यहाँ पर और B यहाँ पर, हाइट कितनी इसकी AD, चलिए 1/2, बेस कितना 4 और हाइट कितनी होगा इसकी AD, AD कितना 4, देखो 1 2 3 4, 4 क्या रहा 4 है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह एक दो और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाता हूँ, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड, इसका सॉल्यूशन जो निकालना है वो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट ऑफ मैथमेटिक क्यूज, 10 स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक क्यूज में पार्टिसिपेट होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी है, 4 मोर देन है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको उसमें से देख लेना बुक, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो लेट क्या ले लो, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एक्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहले ही बता रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट कि इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट हो रहे हैं इसमें मैथमेटिक क्यूज में 10 है, इन द सेंस देखो एक्स होंगे और वाई, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर, बॉयज और गर्ल्स को टोटल करें सम करें तो कितना आएगा 10, यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यहाँ से हमारी क्या बन गई एक इक्वेशन बन गई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गर्ल्स है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स क्या है भाई,
टेस्ट टू क्या कह रहा है आपका कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या फाइव, फाइव क्या फोर मोर देन बॉयज, तो यहां से क्या हो जाएगा अगर आप निकालोगे तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर, यहां से क्या बन गया इक्वेशन ये टू बन गया, यहां से क्या बन गया इक्वेशन ये फर्स्ट बन गया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दो आप, ये फर्स्ट होगा ये आपका सेकंड होगा। अब क्या करना है नाउ यहां पर दीजिए सॉल्विंग, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना। चलिए ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको ऐसा बना लीजिए यहां पर, चलिए फर्स्ट क्या करेंगे यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया x प्लस वाई इक्वल टू टेन, x x प्लस वाई इक्वल टू टेन, आप ऐसा करिए व्हेन एक बार क्या करिए आप x को जीरो मान लीजिए, मान लिया जीरो, जब x को आप जीरो मान लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी टेन, फिर क्या करिए टेन नेक्स्ट y को आप जीरो मान लीजिए, यहां x लिख लीजिए इसे, आप y को क्या कर दीजिए जीरो, जब y को जीरो कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन, ये हो गया। यहां से एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, x लिखी यहाँ पे y, जब x इक्वल टू आपने जीरो लिखा तो y की वैल्यू क्या आ गई टेन, और जब आपने y की वैल्यू जीरो लिखा तो x की वैल्यू क्या आ गई टेन। अब दूसरी चीज क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अरे बहुत सिंपल है, बस थोड़ा तरीका आपको समझ में आना चाहिए, केवल मैं मेथड बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन आप खुद से करोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और जो भी समझ में आएगा तो आप बताना मुझे, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या दिया है फाइव माइनस एक्स इक्वल टू फोर, ठीक है ना, आप क्या करिए इसमें या इसमें क्या करोगे जब आप अगर इसको एक्स इक्वल टू क्या मान लिया आपने जीरो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई फोर, फिर क्या करिए आप कि वाई एक्स लिखिए यहां पर और वाई इक्वल टू क्या कर दीजिए जीरो, जब वाई इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फोर, इतना समझ में आ गया। इसका भी सर बॉक्स बनाया गया, यस इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे भी बताएंगे आपको कि यहाँ वैल्यू माइनस वन जीरो और प्लस वन रख लो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा चाहे आप किसी तरह की वैल्यू रखिए, ठीक है ना एक्स वाई। लेकिन अगर आप दो इस तरह से करते हो ना तो बड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन आपको जल्दी से सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको लिमिटेड होता है, एक क्वेश्चन को कम से कम पांच मिनट मैक्सिमम टाइम पांच मिनट से पहले करना पड़ेगा तब हो पाता, ठीक है। यहाँ x इक्वल टू जब आपने जीरो लिया तो y की वैल्यू क्या आई थी फोर, जब आपने x y इक्वल टू जीरो लिया था तो x की वैल्यू क्या आई थी माइनस फोर। अब बनाना है आपको ग्राफ, ये हो गया आपका ग्राफ, ग्राफ भी ये x पॉजिटिव x निगेटिव y पॉजिटिव और y ये हो गई आपकी ओरिजिनल लाइन, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और यहाँ पे बड़बड़ा देना आप, ये हो गया ठीक, वन टू बहुत ही छोटा हो जाएगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये ग्राफ आपको दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब देखना यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू टेन, एक्स इक्वल टू जीरो होगा वाई इक्वल टू टेन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये वैल्यू कहाँ पे आ गई यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या लिखोगे आप एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू टेन। एक बात ध्यान देना इस कोऑर्डिनेटर में ऐसे लिखा जाता है x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, चार कोऑर्डिनेटर होते हैं वन टू थ्री फोर एक क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपको नाइन्थ क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। एक पॉइंट हमको ये मिलेगा इससे, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा कि x की वैल्यू टेन है और y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है y जीरो, y जीरो आएगा तो ये पॉइंट यहीं पे आएगा, इसको लिख दोगे इसको क्या लिख दोगे आप टेन है और जीरो लिख दिया,
अब इसमें से एक लाइन खींचना है आपको, कैसे लाइन खींचोगे आप, ये यहाँ से यहाँ से मार कर रखना और सीधे खींचना, ये देखो ये इक्वेशन कौन सी बन रही है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, ये क्या था, x प्लस y इक्वल टू 10 बना लिया, ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड में देखेंगे, सेकंड का ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन कैसे ग्राफ में ड्रॉ होगी, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 यहां पे आ गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि x इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 कहां पे आ गया, 1 2 3 4 माइनस 4 आ जाएगा यहां पर, माइनस 4 और y की वैल्यू क्या, 0, तो माइनस 4 और y की वैल्यू 0 ये होगा, और यहां पे क्या आ रहा है, y x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 और 4 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसको आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, ये 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करोगे यहां पे ऐसा नहीं, ऐसा ये वाली लाइन मिला दीजिए आप यहाँ से, ऐसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, इसको काउंट कर लीजिए, ये जो लाइन बनेगी वो कौन सी लाइन बनेगी, इक्वेशन टू की लाइन बनेगी, क्या किसकी लाइन बनेगी, इक्वेशन टू की लाइन बनेगी, एक बार और अच्छे से चेक करिए, ठीक है। तो आप देखें यहां पर जो लाइन बन रही है वो अलाइन ऐसी बन रही है, सीधा जा रही है और यहां से थोड़ा मैं कम कम बनाया हूं, ये यहां पे आ रही है, ठीक है, यहां पे नहीं आ रही, यहां पर आ रही है। तो यहां पर देखिए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपका, कि एक्स लाइन 1 2 3, एक्स में कितना जा रहे हैं हम, 3 जा रहे हैं, जा रहे हैं 3 साइड, अरे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करें, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करें वही पॉइंट क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो दोनों पॉइंट कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड में क्या लिखोगे, ये y माइनस x इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड है, ये दोनों कहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट काउंट करेंगे, x साइड कितना जा रहा है 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, हो गई y की वैल्यू 4, यहां से हमको क्या निकल गया कि x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो y की वैल्यू 7, तो सीधा लाइन कितने है 7 है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज पर लिखो, बॉयज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7। अब आप चेक कर लीजिए थोड़ा आंसर इसका, ठीक है 7 है, क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का समेशन 10 है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो रहा, मतलब ये वाला क्वेश्चन सही है हमारा। दूसरा वाला भी चेक कर लेंगे, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 हो रहा है, यस, यानी कि आंसर हमारा सही है। इस तरह से ग्राफिकल मेथड में जो भी दिए हैं 3.2 के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, और भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए, ग्राफिकल मेथड में केवल आपको याद रखना है, एक बार x की वैल्यू को 0 लेना है, एक बार y की वैल्यू को 0 लिखना, तो ये टेबल बन जाएगी, और जब ये टेबल बन जाएगी तो आपको ग्राफ में शो करना है, कैसे ग्राफ में शो करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आप ग्राफिकल मेथड से कोई भी क्वेश्चन होंगे आपसे बन जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं बन रहे तो आप हमें बताएंगे, हम उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।